हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 81, जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 नजीम एंड द राइज ऑफ हिटलर, जिसकी डेट है आपको 7 फरवरी 2022। आज हम नाजी आर्ट ऑफ प्रोपोगंडा देखेंगे, यानी नाजी ने कैसे अपना जो शासन था वो चलाया, अपने हिसाब से चलाया था, अब कैसे क्या क्या किया वो हम आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे। नाजीम ने जो लैंग्वेज थी, अपना जो रिजाइम, जो अपने बढ़ाव चढ़ाव, उसने मीडिया का यूज़ करा और मीडिया से उसका बहुत बड़ा इफेक्ट भी हो गया। द टर्म दे कॉइन टू डिस्क्राइब देयर वेरियस प्रैक्टिस आर नॉट ओनली डिस्क्रिप्टिव बट आर चिलिंग टू। अब नाजीज ने कुछ नए वर्ड्स यूज़ करे। उन्होंने मारना, मर्डर, ये सारे वर्ड्स को नहीं यूज़ करा ऑफिशियल कम्युनिकेशन में। उन्होंने किलिंग को, यानी मारने को, एक स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन फॉर ज्यूज या इंथानेशिया फॉर डिसेबल्ड के लिए, सेलेक्शन एंड डिसवेंटेशन या इवैक्यूएशन, मतलब इसका इवैक्यूएशन का मतलब जो कि लोग गैस चैम्बर में भेजे जाएंगे, गैस चैम्बर को उन्होंने डिसइंफेक्शन एरिया, ये सारे नए नए वर्ड्स यूज़ करे। आपको कोई बोलेगा कि मैं तुझे जेल ले जाऊँगा, तो आप कहेंगे जेल तो मुझे नहीं जाना, बट आपको कोई कहे कि एक नया नाम दे दे जेल को, इन्फेक्शी, आपको मैं इन्फेक्शी ले जाऊँगा, तो आप सोचेंगे ना इन्फेक्शी क्या है, तो चल के देखता हूँ, एंड वहाँ पे आपको जाके जेल में बंद कर दिया। तो ऐसी तकनीक उन्होंने यूज़ करी नाजीज़ ने, उन्होंने नए वर्ड्स यूज़ करे और लोग उनके बहकावे में आ गए। जो ज्यूज़ थे, जो डिसेबल पर्सन थे, वो उनके बहकावे में आ गए एंड वो नए वर्ड्स के चक्कर में, और वो भी उन्होंने एक नया एक तकनीक आ गई उनके चक्कर में। बाथरूम इक्विपाइड विद फेक शावर हेड्स, नाजी आइडिया वर्ड, और नाजी का जो आइडिया था वो विजुअल इमेज, फिल्म, रेडियो, पोस्टर और स्लोगन, लिफलेट्स, इन सब में बहुत ज़्यादा वो पॉपुलर हो रहा था। पोस्टर में क्या हुआ था कि जर्मन्स को ग्रुप आइडेंटिफाइड एज द एनिमीज ऑफ, कुछ ग्रुप्स को जर्मन्स के एनिमी घोषित कर दिया गया था, स्टेटोपाइस को, मॉक को, और अब्यूज़ कर दिया था। डिस्क्राइब्ड एज एवल सोशलाइज्ड एंड, और जो सोशलाइज्ड और लाइबरल्स थे, जो कि आपने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़े थे, उन्हें वीक और डीजनरेटेड घोषित कर दिया। वो एक मैलिशियस फॉरेन एजेंट की तरह फोर करने लगे। नजीम वर्क ऑन द माइंड ऑफ पीपल, नजीम लोगों के दिमाग पे एकदम काम करने लगे, उनके इमोशंस को, उनके हेटर्ड को, उनके एंगर को एकदम वो अनडिजायरेबल लोगों के ऊपर मार्क कर दिया कि अनडिजायरेबल को हेट करो, उनसे दूर रहो, उनसे इमोशनली ना हो अटैच। फिर पीपल रिएक्शन ऑन नाजीज़म, अब नाजीज़म में लोगों का रिएक्शन क्या था। कुछ लोग जो थे नाजी आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा के प्रेस में थे। मैंने स्टार्टेड व्यूइंग द वर्ल्ड थ्रू, अब बहुत लोग ये भी स्टार्ट, मतलब बहुत लोगों ने ये भी स्टार्ट कर दिया कि वो नाजी के व्यू से ही पूरी दुनिया को देखेंगे और नाजी लैंग्वेज में ही अपने माइंड को स्पोक करेंगे और वो नाजी में बिलीव करने लगे जनरली। अराउंग दिस प्रॉस्पर्टी एंड इम्प्रूव जनरल वेलबींग, बट जो जर्मन ऑर्गेनाइज एक्टिव रेसिस्टेंस है टू नाजीज ऑन लो, और कुछ मेजॉरिटी में थे जो कि इस एक्ट से अच्छा भी नहीं था, उन्हें डिफर्ड थे, यानी विरोध करते थे, प्रोटेस्ट करते थे, दे प्रेफर टू लुक अवे रादर, और फिर उन्हें बाद में मार ही दिया जाता था। अब यहाँ पे एक होलोकास्ट हुआ। होलोकास्ट मतलब क्या होता है, एक महाध्वंस। द मास किलिंग इज ऑल्सो नोन एज होलोकास्ट, यानी बहुत ज़्यादा बड़ी तबाही या मार देना किसी को, उसे होलोकास्ट कहते हैं। द इंडोमिटेबल स्पिरिट टू बियर विटनेस टू प्रिजर्व द डॉक्यूमेंट्स कैन बी सीन इन द मैनी गेटोस एंड कैम्प। द इनहेबिटेड रोड डायरीज, कैप नोटबुक्स एंड क्रिएटेड अचीव्स द मेमोरी ऑफ होलोकास्ट लीव इन द मेमोरियल फिक्शन डॉक्यूमेंट्री पोइट्री मेमोरियल एंड म्यूजियम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आपने देखा होगा कि अगर जैसे हमारे देश भारत को आज़ाद कराने वाले में बहुत सारे लोगों को याद में मनाया जाता है, जैसे महात्मा गांधी, गांधी जयंती मनाई जाती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत सारे लोगों को याद करा जाता है, ऐसी जो होलोकास्ट जिन्होंने किया था, जिन्होंने महाध्वंस लड़ा था, मास किलिंग करा था, उनके उनकी भी मेमोरियल है, उनकी डॉक्यूमेंट्री है, उनकी पोइट्री मेमोरी सारे बहुत सारे वर्ल्ड के, बहुत सारे वर्ल्ड में म्यूजियम्स होते हैं, उनके बहुत सारे पार्ट में रखी हुई है। देयर ट्रिब्यूट टू अस वो रेसिस्टेड, यानी जिन्होंने लड़ा वो बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूटरी, वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं हमारे लिए। एन एम्बेरसिंग रिमाइंडर टू दोज वो कोलाबरेटेड एंड वार्निंग टू दोज वो वॉच्ड इन साइलेंस, और उनके लिए तो शर्मनाक है जो उसके साथ कोलाबरेट हो गए थे, यानी मिलजुल गए थे नाजीज़ के साथ, और उन्हें वार्निंग दी गई थी जो साइलेंसली एकदम शांति से सब कुछ देख रहे थे।
अब यानी जो हो रहा है होने दो, वो ये सोच रहे थे। अब इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड हिटलर मेक नाजी वर्ल्ड व्यू अट्रैक्टिव इन जर्मनी, यानी नाजी वर्ल्ड व्यू को हिटलर ने अट्रैक्टिव कैसे बनाया जर्मनी में। तो उसने क्या किया, हिटलर ने मीडिया को यूज़ करा, मीडिया टू नाजी की आइडियोलॉजी को यूज़ करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए। सेकेंड उसने क्या किया, उसने मिसलीडिंग टर्म्स जैसे स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन, नए नए वर्ड्स यूज़ करे जिससे नाजी की आइडियोलॉजी प्रोपोगेट हो। उसने फिल्म, रेडियो, टीवी, पोस्टर, कैच, स्लोगन्स, यहाँ पे नाजी आइडियाज़ को प्रोपोगेट किया और नाजी आइडियोलॉजी में उसने जो जिसे वो पसंद नहीं करता था उसे फॉरेन एजेंट यानी आदि आतंकवादी होते ना उन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू, हाउ वाज द मीनिंग ऑफ होलोकास्ट, होलोकास्ट का मतलब क्या है नाजीज के व्यूज से और ज्यूज के व्यूज से। तो नाजी के व्यूज से क्या है और ज्यूज के व्यूज से क्या है इसका मतलब। तो नाजी के लिए जो होलोकास्ट है कि रीड ऑफ द अनडिजायरेबल विच वॉज द फाइनल सॉल्यूशन, यानी जो अनडिजायरेबल पर्सन है उन्हें डायरेक्ट मार देना, यही फाइनल सॉल्यूशन है, होलोकास्ट का मतलब यही है। पर ज्यूज के लिए जो होलोकास्ट है वो नेवर एंडिंग टॉर्चर, यानी ऐसा टॉर्चर जो कभी ख़त्म नहीं होगा कभी किसी भी ऑक्यूपेशन में, और उनके घर छीन लिए गए, उन्हें बहुत सुनाया गया। बाय द टाइम द मैसक्रेप बिगेन इन 1941, और जो ये सब हुआ जो 1941 में हुआ था वो 1945 में जाके एंड हुआ, और 6 मिलियन से भी ज़्यादा यानी 60 लाख से भी ज़्यादा ज्यूज जो थे वो मारे गए, और ज्यूज के अलावा जो हिटलर को पसंद नहीं थे वो भी मारे गए। तो ये हुआ था हमारा होलोकास्ट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, कॉमन पीपल टेक द प्रोपोगेशन ऑफ नाजीज में, यानी कैसे कॉमन पीपल जो थे प्रोपोगेट करते थे नाजीज में, यानी कॉमन पीपल मान लें या अगर हम इसे मिडिल क्लास पीपल भी मान लें, तो जो बहुत सारे लोग थे, मैनी पीपल फेल प्रे टू नाजी टर्मिनोलॉजी एंड आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा, बहुत सारे लोग थे जो प्रे करते थे नाजी टर्मिनोलॉजी में और प्रोपोगेंडा में, वो बिलीव करते थे नाजीज में ये कि बेस्ट ऑप्शन है हमारी कंट्री को चलाने के लिए। पर जो सेकेंड ग्रुप था जो कि स्ट्रांगली अपोज था यानी उसके विरुद्ध था नाजीज के, उन्हें बिल्कुल पसंद था। और थर्ड ग्रुप ये था कि जो हो रहा है होने दो, बस देखते जाओ क्या हो रहा है, वो सब कुछ साइलेंटली, और प्रोटेस्ट से वो डरते थे क्योंकि, और वो साइलेंटली सब कुछ वॉच करते थे, देखते बस। फोर्थ क्वेश्चन है, इमेजिन दैट यू आर अ स्टूडेंट ऑफ स्कूल इन जर्मनी, आप जर्मनी के स्कूल के एक बच्चे हैं। आप इमेजिन करिए आपके कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो ज्यूज हैं, फ्रेंड आपके ज्यूज हैं, एंड आप क्या हैं, आप नाजीज में। यू बिलीव दैट ज्यूज आर नॉट बैड, आपको पता है कि ज्यूज बुरे नहीं होते, पर नाजीज ने क्या कर दिया आपको कि आपको ज्यूज को बुरा मानने के लिए बोल दिया। आप अपने फादर से क्या कहेंगे, आपको एक पैराग्राफ लिखना है इसके बारे में। तो मैं अपने पापा से यही बोलेंगे ना कि वो ज्यूज बुरे नहीं होते, यही बोलेंगे, सभी बच्चे यही बोलेंगे। तो हम एक पैराग्राफ लिखना है तो हम लिखेंगे, आई डिड नॉट बिलीव कम्फर्टेबल इन स्कूल टुडे, वो मैं कहूँगी कि आज मुझे स्कूल में अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। डोंट नो वाई डिडेंट लुक गुड, सम फ्रेंड्स वर टॉकिंग अबाउट ज्यूज बींग एक्सपेल फ्रॉम द कंट्री, मेरे कुछ दोस्त भी बात कर रहे थे कि ज्यूज को इस कंट्री से हटा दिया जाएगा। माई टीचर हैड सम सच फन टोन अबाउट देम, और मेरे टीचर्स ने भी उनका मजाक उड़ाया। नाउ इवन, और हमारी बुक्स में भी क्या लिख के आ रहा है कि, और जो हमें बुक्स भी पढ़ाई जा रही है उसमें भी यही लिखा रहा है कि ज्यूज जो है वो अच्छे नहीं हैं। नो रिलीजन, अब कोई भी धर्म अच्छा या बुरा नहीं होता, कोई भी गुड बैड नहीं होता, कोई भी लोग गंदे या अच्छे नहीं होते। बैड पीपल कैन बी ऑफ एनी रिलीजन, अब जो बैड गंदे लोग हैं वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं, एंड और कोई गंदे लोगों का कोई रिलीजन ही नहीं होता। पहली बात तो मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो ज्यूज हैं पर वो बहुत अच्छे हैं, तो धर्म की तरफ हमें नहीं मानना चाहिए। मैं यही अपने फादर से कहूँगी, अपने पेरेंट्स से कहूँगी। तो ये आप कर लेंगे, ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। आगे हम नेक्स्ट वर्कशीट में कंटिन्यू करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो हमारे 100 के सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो अभी तक जिसने अभी हुए नहीं है, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, शायद आपके एक सब्सक्राइबर से हमारा 100K पूरा हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइज़।